aquí lo estoy. Haz que mal en ese pie de esos pasta. De aquí se color que tiene chaye. De carne me voy a testilarte. आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कैसा बना। रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए पास्ता, टमाटर, लाल मिर्च, कैरेट, कैप्सिकम, ऑनियन, टोमेटो सॉस, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ब्लैक सॉल्ट, काली मिर्च, नमक, और गिनो और मिक्स हर्ब्स। पास्ता बॉईल कर लेती हूँ। ये मैंने गर्म पानी रखा है जो बॉईल हो रहा है। इसमें मैं ऐड करूँगी नमक हाफ टेबलस्पून, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। हमारे अच्छे बनते हैं। पास्ता बॉईल होने 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। ये एक तरफ पास्ता बॉईल है, दूसरी तरफ मैं टोमेटो बॉईल हल्का बॉईल कर लेती हूँ रेड सॉस के लिए। टोमेटो बॉईल करने से पहले मैं टोमेटो का एक छोटा हिस्सा निकालूंगी और इसको इसे कट कर लूंगी। इसमें ये पानी बॉईल हो रहा है, इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च। ये लाल मिर्च को मैंने 2 मिनट तक बॉईल कर लिया। अब इसमें डालूंगी टोमेटो। टमाटर को हमें ज्यादा देर नहीं बॉईल करना है, 2 मिनट में बस छिलका उतर जाए इतना ही बॉईल करना है। इसको मैं ढक के मीडियम फ्लेम में बॉईल कर लेती हूँ। ढक के मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए बॉईल कर लूंगी। अब ये देखिए हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है, इसको हम ऐसे चेक करेंगे। मैं ये पास्ता का पानी निकाल लेती हूँ और मैं इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल देती हूँ। देखिए अब हमारे टमाटर के छिलके उतरने शुरू हो गए। मैं इसको भी एक टोकरी में निकाल लेती हूँ। इसके छिलके हटा देती हूँ। ये देखिए हमारे टमाटर के सारे छिलके उतर चुके हैं। अब मैं इसको ठंडा कर लूंगी और फिर मिक्सी में पीस लूंगी। ये देखिए मैंने टमाटर को पीस लिया है। अब हम पास्ता बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन, हरी मिर्ची। आप खाली लहसुन भी ले सकते हैं, हरी मिर्ची नहीं है। मैं इसमें डालूंगी ऑनियन, कैप्सिकम, कैरेट। 2 से 3 मिनट के लिए हल्का पका लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स, मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दूँ, चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है। वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो पूरी। इसको पानी सूखने तक हम पका लेंगे। ये
देखिए हमारा ये गाढ़ा हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर सॉस। ये देखिए हमारा सॉस एकदम गाढ़ा हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी पास्ता। ये हमारे पास्ता बनके रेडी हो चुकी है, अब हम इसको सर्व कर देते हैं।